नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केवाला में खाता नंबर और खेसरा नंबर अगर गलत लिखा गया है तो उस जमीन का हकदार यानी मालिक कौन हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने किसी जमीन को खरीदा है और उस जमीन पर खाता नंबर खेसरा नंबर गलत लिखा गया है, तो उस गलत लिखे हुए के कारण हमारा जमाबंदी कायम नहीं होता, यानी कि दाखिल खारिज नहीं होता है और जमाबंदी भी कायम नहीं होता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो इस परिस्थिति में जिनसे हमने जमीन खरीदा है तो कागजी रूप से वही उसका हकदार होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हमारा कागजात ही सही नहीं है तो फिर वह जमीन हमारे हक अधिकार में नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप जमीन खरीदें तो एक एक डिटेल्स जमीन से संबंधित, जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उससे संबंधित एक एक डिटेल्स जो आपका केवाला बन रहा होता है उस पर लिखवाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तभी आपका आगे का जो कागजात होगा वह सुदृढ़ हो पाएगा, अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो इस बात का जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपका दाखिल खारिज भी हो पाएगा, जमाबंदी कायम हो पाएगा और आपको लगान रसीद कट के मिल पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।